जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 9 महीने से बेकार खड़ा करोड़ों की लागत से खरीदा रोबोट। दरअसल चिकित्सा विभाग ने एसएमएस अस्पताल में एडवांस सर्जरी के लिए 50 करोड़ रुपए में 2 रोबोट खरीदे। एक रोबोट जनरल सर्जरी के लिए और दूसरा रोबोट यूरोलॉजी के लिए मंगवाए गए थे। आपको बता दें, ये दोनों रोबोट फरवरी 2024 में आ गए थे। टेंडर के तहत दोनों रोबोट को 85 सर्जरी फ्री करनी थी। जनरल सर्जरी विभाग ने रोबोट में फ्री 85 सर्जरी महज 5 महीने में ही पूरी कर ली। इसके बाद पिछले 9 महीने से ये रोबोट खड़ा है, क्योंकि सर्जरी के लिए रोबोट में जो उपकरण लगने हैं उनकी खरीद ही नहीं की गई। रोबोट को फिर से शुरू करने के लिए 1.25 लाख रुपए के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। रोबोट से सर्जरी के लिए प्रो गैस कटर, रोबोटिक सीजर, गैस और अन्य उपकरण लगते हैं। इनकी कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है। इन उपकरणों के बिना सर्जरी संभव नहीं है। ये रोबोट में लगने वाले इन उपकरणों से अधिकतम 5 सर्जरी ही हो सकती है, यानी हर 5 सर्जरी में 1.25 लाख का खर्च तय है। चौंकाने वाली बात यह है कि टेंडर के समय विभाग को यह बात पता थी कि फ्री सर्जरी के बाद रोबोट से किए जाने वाले ऑपरेशन में लाखों का खर्च आएगा। इसके बावजूद कोई प्लान या फंड नहीं बनाया गया। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि उपकरणों के लिए बजट मांगा है, मंजूर होते ही उन्हें खरीद लिए जाएंगे। दूसरा रोबोट यूरोलॉजी में सिर्फ 20 फ्री सर्जरी बची है। 1 माह बाद भी ये बेकार हो जाएगा। जिन शर्तों के तहत रोबोट खरीदे गए उसके तहत कंपनी को 170 सर्जरी के लिए ही उपकरण देने थे। इसके बाद एसएमएस प्रशासन को ये खरीदने हैं। यूरोलॉजी विभाग में मौजूद रोबोट की भी सिर्फ 20 सर्जरी बची है। इसके बाद यदि उपकरण नहीं मिले तो ये भी बंद हो जाएगा। चिकित्सा विभाग को रोबोट खरीदते समय ही ये पता था कि 170 फ्री सर्जरी के बाद की जाने वाली सर्जरी के लिए उपकरणों की जरूरत होगी और उसमें बड़ा खर्चा होगा। इसके बावजूद भी विभाग ने उपकरण खरीद के लिए कोई प्लान नहीं बनाया। यहां तक कि सर्जरी विभाग की ओर से बार बार कहने के बावजूद भी पिछले 9 महीनों में कोई प्रोसेस नहीं किया गया। गौरतलब है कि विभाग ने एडवांस सर्जरी के लिए 50 करोड़ में ये 2 रोबोट खरीदे थे।